कलाम साहब एक बहुत गरीब परिवार में पले बड़े हुए और कलाम साहब हमारे देश में एकता अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने की एक मिसाल थे। राष्ट्रपति की सुविधाओं का प्रयोग ही नहीं किया, ऐसा राष्ट्रपति भारत को मिला जिसने जो खर्चे या जो वहां सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं उसकी 10% भी सुविधाएं उन्होंने राष्ट्रपति वाली नहीं भोगी और बहुत सादा जीवन, बहुत सादा खान पान उन्होंने वहां अपना प्रयोग किया। एक साधु के रूप में, बाबा के रूप में, फकीर के रूप में अपना जीवन यापन किया। जैसा कि देखा गया है, एक वैज्ञानिक सामाजिक तौर से शून्य होता है, लेकिन उस मिथक को आपने ऐसे तोड़ा कि सामाजिक तौर पे आप इतने जिंदा थे कि आज़ादी के बाद और आज तक कभी भी कोई राजनेता, वैज्ञानिक, महापुरुष कोई भी इतना जीवित नहीं था जितना आप जीवित थे। बहुत बहुत बड़ा दिन है कि देश की एक ऐसी अजीम धरोहर जिसको हम और आप या पूरा देश और दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम साहब का जीवन किसी से छुपा हुआ नहीं, बहुत गरीब मछुआरे परिवार में उन्होंने अपना जन्म लिया और उन्होंने अखबार बेचे, बाजार में सब्जियां बेची, जब जाकर उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दें। शिक्षा एक ऐसी इस मुल्क का एक नायाब लीडर और नायाब हीरो, शायद उनका दूसरा विकल्प जल्दी इस देश को इसी बात जैसे ही